everyone, welcome to my channel Sanchana Vlogs. How are you all? I hope you guys are doing great. So guys, आज मैं आप लोगों के साथ ये मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ. आप देख सकते हैं हम ये मेकअप लुक बिल्कुल सिंपल है और बिल्कुल अफोर्डेबल है. हम बिल्कुल अफोर्डेबल चीज़ें यूज़ करेंगे जो सिर्फ 200 rupees के अंदर अंदर आती हैं. आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सिंपल और ईजी मेकअप है. आइए चलते हैं. सो गाइज, सबसे पहले मैं हेयरबिन की हेल्प से अपने बालों को टाई कर लूँगी पीछे ताकि ये मेरे फेस पे ना आए. अभी मैंने अपना फेस वॉश और मॉइस्चराइज कर रखा है, आप देख सकते हैं. अब हम यूज़ करेंगे लैक्मे की सीसी क्रीम. गाइज, ये बहुत ही अच्छी क्रीम है और बहुत ही अफोर्डेबल है. आप इसको ईजिली परचेज कर सकते हो और ये गाइज बिल्कुल फाउंडेशन जैसी कवरेज देती है. आपको बिल्कुल नीड नहीं पड़ेगी फाउंडेशन की. ये बहुत ही अच्छा लुक देगी आपके फेस पे. आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं इसको अपने पूरे फेस पे फिंगर्स की हेल्प से स्प्रेड कर लूंगी. थोड़ा सा हम अपनी नेक पे भी लगाएंगे. गाइज, अपनी नेक को कवर करना ना भूलें. आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं अपनी नेक पे भी लगाऊंगी. अब मैं अपनी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अपने पूरे फेस पे ब्लेंड कर लूंगी डैप डैप मोशन में. आप देख सकते हैं इस तरीके से. आप देख सकते हैं हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे. आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो गई ये क्रीम हमारे मेरे फेस पे. आप देख सकते हैं अब मैं फेस पाउडर की और सेटिंग पाउडर की हेल्प से अपने फेस पे क्रीम सेट करूंगी. मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का फेस पाउडर यूज कर रही हूँ. अगेन वो भी 200 के अंदर आ जाता है. आप चाहें तो कोई और फेस पाउडर भी यूज कर सकते हैं. इस तरीके से मैं अपने फेस पे जो मैंने क्रीम अप्लाई किया है उसको फिक्स कर लूंगी और सेट कर लूंगी. आप देख सकते हैं इस तरीके से. इस तरीके से अब मैं यूज कर रही हूँ काजल. आई एम यूजिंग लैक्मे काजल. आप चाहें तो कोई और काजल भी यूज कर सकते हैं. इस तरीके से अपनी वॉटर लाइन पे मैं काजल अप्लाई करूंगी. आप देख सकते हैं तरीके से. आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल डार्क और अच्छे तरीके से काजल अप्लाई कर लिया है. अब मैं यूज करूंगी लाइनर. मैं यहाँ पे लैक्मे का लाइनर यूज कर रही हूँ. आप चाहे तो कोई और लाइनर भी यूज कर सकते हैं. अब मैं अपनी आईज पे लाइनर ड्रॉ करूंगी. आप देख सकते हैं इस तरीके से. गाइज, ये बिल्कुल सिंपल इंस्टेंट मेकअप लुक है. आई एम नॉट एन प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, तो प्लीज डोंट जज मी. आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं अपनी आईज पे लाइनर ड्रॉ कर लूंगी दोनों साइड. आप देख सकते हैं गाइज, मेरी आईज में हमेशा लाइनर लगाते वक्त बहुत प्रॉब्लम होती है. समहाउ आई मैनेज्ड. नाउ आई एम यूजिंग वैसलीन. आपको पता है वैसलीन हमारे लिए
बहुत अच्छी होती है मॉइस्चराइजर के लिए। अब मैं अपने लिप्स को वैसलिन से मॉइस्चराइज करूँगी। गाइज ये बहुत ग्लोई लुक देती है। अगर आप कोई भी लिप बाम या लिपस्टिक से पहले अपने लिप्स पे वैसलिन अप्लाई कर लें, उसके बाद आप अपने लिप्स पे लिप बाम या लिपस्टिक अप्लाई करें, इससे आपके लिप्स बहुत अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज होके ग्लोई और अच्छा लुक देंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं अपने लिप्स पे लिपस्टिक अप्लाई कर लूँगी। आई एम यूजिंग न्यूट कलर। आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब यही लिपस्टिक मैं अपने चीक्स पे अप्लाई करूंगी ब्लश के लिए। आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा। अब मैं अपने ब्लेंडर की हेल्प से अपने चीक्स पे इसको ब्लश कर लूंगी, ब्लेंड कर लूंगी। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अगेन आई एम यूजिंग वैसलिन फॉर माई हाईलाइटर। हम इसको एज अ हाईलाइटर भी यूज करेंगे। गाइज ये बिल्कुल ईजी और सिंपल ट्रिक्स हैं जो कि आप इजली कर सकते हो विदाउट एनी एक्सपेंसिव कॉस्मेटिक ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स। इस तरीके से मैं अपने हाईलाइटेड एरियाज पे वैसलिन अप्लाई करूँगी और आप देख सकते हैं कि वो कितने अच्छे लग रहे हैं एज अ हाईलाइटर। When I'm using Vaseline, आप देख सकते हैं। And I am ready. Guys like it. If you guys like it too, please give thumbs up to this video and subscribe my channel and please share my channel. Bye bye guys.